students, welcome. Our today's topic is recommendations concerning curricular areas, scheme of studies, NCF 2005. Means paath karan de naal sambandhit NCF 2005 de dwara kede kede jene recommendations nu dittiyan gaiyan si ohde bare gal karange. Hun ide vich jede kuch areas ne jinhan nu cover kita gaya hai, means oh 9 ne, 9 areas ne. नौ दे विचों इकले इकले नाल जिहड़ियां ए रिकमेंडेशनज ने दित्तियां गईयां ने. सब तो पहला असीं गल करांगे लैंग्वेज बारे. लैंग्वेज मीनस जिहड़ियां भाषावां ने, भाषा सिक्ख्या बारे की कहा गया. पहली गल तो यह कही गई कि जिहड़ी भाषा सिक्ख्या मीनस लैंग्वेज एजुकेशन है, उहनूं मल्टीलिंगुअल होण दी जरूरत है. क्योंकि जेकर असीं इंडिया की गल करिए तां इहदे विच इक नहीं, बहुत जिहड़ियां भाषावां ने उह बोलियां जांदियां ने. मीनस बच्चे नूं जदों असी ने पढ़ाउणा है तां उहदे विच भाषावां दी गिणती विच नहीं, सगों स्ट्रैटेजी बनाउण दे मामले दे विच जिहदे अनुसार एक स्रोत वजों, एक सोर्स वजों असी लैंग्वेज नूं यूज़ करना है. जिवें कि असी जदों बच्चे नूं पढ़ा रहे हां तां एक लैंग्वेज दे विच नहीं पढ़ाउणा. जिवें कि असी पंजाब विच रह रहे हां तां पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश असी तीन भाषावां दी वरतों कर सकते हां. फिर बच्चों की जिहड़ी भाषा है, मीनस जिहड़ी उहनां दी उत्थे बोली जा रही है भाषा, जिस एरिए दे विच बच्चे रह रहे हैं तो उही स्कूलों दे विच एजुकेशन का उन्होंने दा मीडियम होना जरूरी है, मीनस उही लैंग्वेज. फिर जेकर जिहड़े किसी भी स्कूल दे विच बच्चे जिहड़ी मदर टंग है उहदे विच ये फैसिलिटी ना होवे कि उस स्कूल दे विच नहीं पढ़ाई जा रही, तो घट्टो घट प्राइमरी लैवल ते बच्चे जिहड़ी मदर टंग दे विच जिहड़ी एजुकेशन उह बच्चे नूं देनी जरूरी है. मीनस के जो बच्चे की मदर टंग है उन्होंने प्रॉपर रिगार्ड देना जरूरी है. फिर स्टार्टिंग तो ही जो बच्चे ने उन्होंने मल्टीलिंगुअल जी एजुकेशन है, बहुभाषावान बारे सिक्ख्या देनी है. जिमें कि असी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला सारे ने सुने है. थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला मीनस पहला बच्चे की मदर टंग, दूसरा वह लैंग्वेज जी कि पूरे इंडिया के बोली जा रही है, तीसरी एक फॉरन लैंग्वेज जिमें कि असी कि भाषावान पढ़ते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश. पंजाबी पंजाब दे विच मदर टंग होगी, हिंदी जो पूरे अपने देश दे विच बोली जा रही है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. ये तिन्ने जिहड़ियां भाषावां ने ओह देश दी उन्नति दे लई जरूरी ने. फिर जिहड़े स्टेट्स दे विच हिंदी नहीं बोली जाती उत्थे बच्चे हिंदी सीखते ने, ते जिथे हिंदी बोली जा रही है उत्थे विच कुछ एक होर भाषा सीखते हैं बच्चे. जिवें कि अपने पंजाब दे विच हिंदी नहीं बोली जा रही, बट असी हिंदी पढ़ते हाँ सीखते हाँ. हुण इस तरीके नाल जिथे हिंदी बोली जा रही है उस खेत्र दे विच कोई जिहड़ी होर भाषा उह बच्चों नूं सिखाई जाती है. मीनस इन्हां भाषावां दे नाल नाल जिवें कि असी संस्कृत नूं गल करदे हां, इहनूं मॉडर्न लैंग्वेज दे रूप दे विच वी कहा जांदा है, इह वी बच्चों नूं पढ़ाई जाती है. फिर जिहड़ियां अगलियां अवस्थावां ने उहदे विच इक विदेशी भाषा, फॉरन लैंग्वेज कोई भी, ते इक जिहड़ी क्लासिकल लैंग्वेज है वह शामिल की जा सकती है. फिर असी बच्चों जो लैंग्वेज स्किल ने वह डिवेलप करनिया ने. लैंग्वेज स्किल्स बच्चे बोलनी आँदी होनी चाहिए है, सुनना आता हो, पढ़ना तो लिखना, ये सारी चीज़ा बच्चे दे विच जरूरी ने. ते अंग्रेजी नूं होर भाषावां दे नाल नाल मींस उहनूं इक्वल स्टेटस देना है. तो जिहड़ी इंडियन सोसाइटी की गल करदे आं उहदे विच जिहड़ी मल्टी लैंग्वेज है उहनूं स्कूल जीवन दे लई एक सोर्स वजों देखना चाहिए है. नैक्सट है मैथमैटिक्स. हुण मैथमैटिक्स की है, ये बच्चों नूं लॉजिक ढंग दे नाल लॉजिकली सोचण दी जिहड़ी एबिलिटी उह पैदा करदा है. सूखमतावां दा निर्माण करन ते सांभण दी योग्यता दा नाम की है हिसाब. क्योंकि इहदे विच जो भी काम हुंदा बरीकी नाल हुंदा है. अगर असी देखो माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो जेकर असी एक डिजिट दी भी इधर उधर हेरफेर करते हैं तो साडा सारा सम गलत हो जाएगा. इस करके दे विच बहुत ही जिहड़ी सूखमता है, बरीकी नाल काम किया जाता है. हुण इहदे विच जिहड़े फार्मूले ते जिहड़ियां मकैनिकल मैथड यूज़ किए जाते हैं ये बहुत जरूरी ने. नैक्सट है जदों मैथ पढ़ाना है तो इस तरह का होना चाहिए जिहड़ा कि बच्चे की जिहड़ी थिंकिंग है तो उहदे विच जो उहदी लॉजिक करन दी कैपेबिलिटी है उहनूं वधाउंदा होवे.
नैक्सट है जिहड़ा मैथ टीचिंग है उहदे विच क्वालिटी होनी चाहिए है ते हरेक बच्चे दी पहुँच दे विच यह अधिकार होना चाहिए है कि बच्चा जिहड़ा क्वालिटी वाला मैथ है वह सीख सके। फिर बच्चे नूं असी मैथ तो डराउणा नहीं, इस तरीके नाल पढ़ाउणा कि बच्चा इहदे विच इंट्रस्ट लवे। बच्चों मैथ के जिहड़े बेसिक स्ट्रक्चर्स ने वो समझाने जरूरी ने। मैथ अलजबरा जोमैट्री ट्रिग्नोमैट्री हुणे की ने एक मैथ के जिहड़े बेसिक कंटेंट एरियाज ने जिहड़े सारे मिल के एक बच्चे जिहड़ी मैथ के नाल रिलेटिड पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो जिहड़ा अध्यापक है उन्हें इस ढंग के नाल हरेक बच्चे मैथ्स पढ़ाउणा है ता कि हरेक बच्चा मैथ सीख सके, क्योंकि सारे बच्चे जिहड़े सीखने योग्यतावां ने वख्खरियां वख्खरियां होंदियां ने। नैक्सट है साइंस। साइंस के लिए की रिकमेंडेशन सी, पहला है साइंस की जदों टीचिंग करनी है तो यदा जिहड़ा कंटेंट है प्रोसैस है तो लैंगुएज है वह बच्चों की एज के अकॉर्डिंग जिन्ना उन्हों का ज्ञान नाल संबंधित लैवल है पहुँच है वो अनुसार होने चाहिए ने। फिर साइंस के टीचर ने विद्यार्थी सारे विद्यार्थियों विधियां मीनस केड़े केड़े मैथड्स ने ते केड़े केड़े प्रोसैस ने वह अर्जित करन दे विच लाउणा है। अर्जित करना हुंदा है वह उन्हां दे विच डेवलप करन दे विच लाउणा है तां जो बच्चे जिहड़ी जिज्ञासा है ते जिहड़ी क्रिएटिविटी है वह पैदा हो सके। फिर साइंस दे टीचिंग दे विच जदों साइंस पढ़ाउणी है तां बच्चों के जिहड़े वातावरण के नाल जिहड़ा कॉन्टैक्सट है वह फिक्स किया जाना चाहिए तां जो जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं सही ढंग दे नाल लोड़ीदा ज्ञान प्राप्त हो सके। नैक्सट इहदे विच ये रिकमेंडेशन की गई सी कि जिहड़े एनवायरमेंट नाल रिलेटिड कॉन्सैप्ट हुंदे ने उहनां दे प्रति जिहड़ी अवेयरनैस है वह स्कूल दे जिहड़ा एनवायरमेंट आ उहदे विच ही शामिल होनी जरूरी है। नैक्सट है सोशल साइंसिज और सोशल स्टडीज़। हुण इहदे च इस तरीके नाल असीं बच्चों नूं पढ़ाउणा है कि वह कॉन्सैप्ट दे उपर जिहड़ी कॉन्सेंट्रेशन आ उह बना सकन, ना कि असीं बच्चों नूं यह बनाउणा कि उन्होंने सिर्फ इनफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। मीनस असीं बच्चों इस तरीके का बनाउणा है कि बच्चे क्रिटिकली उहदे बारे जिहड़ा कोई भी रिएक्शन आ उह दे सकन। फिर जिहड़ियां इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हुंदियां ने उहनां नूं अडोप्ट करन की जरूरत है, अंतर अनुशासनिक पहुँचा तां जो साडे जिहड़े कोई नैशनल इशूज़ ने जिवें कि जेंडर नाल रिलेटिड जस्टिस नाल ह्यूमन राइट्स इन्हां दे नाल असीं बच्चों नूं जागरूक कर सकीए ते जिहड़े मिनोरिटीज़ हुंदे ने घट गिनतियां दे लोक ने असीं उहनां नूं उत्साहित कर सकीए। फिर जिहड़े असीं स्विक्स पढ़दे हां नागरिक शास्त्र उहनूं राजनीतिक विज्ञान का नाँ देना है, मीनस पोलीटिकल साइंस का नाँ देना है। हिस्टरी दे विच जिहड़े बच्चे ने उहनूं बच्चे देखो पास्ट बारे पढ़ते हैं फ्यूचर बारे पढ़ते हैं तो असीं उहनां नूं नॉलेज देनी है, सॉरी फ्यूचर नहीं पास्ट बारे पढ़ते हैं तो उहदे विच जिहड़े बच्चे ने वो नागरिक शास्त्र नूं जिहड़े उहदे विच कॉन्सैप्ट दिए गए ने उहनां नूं आइडेंटिफाई कर सकन, क्योंकि उही जिहड़े कॉन्सैप्ट ने बच्चे ने पिछे पढ़े हुंदे ने फ्यूचर दे विच उहदे नाल रिलेटिड ही अगों उहदे नाल कॉन्सैप्ट ऐड हुंदे आ। नैक्सट है आर्ट एजुकेशन कला सिक्ख्या। हुण कलावां भावें किसी भी चीज़ नाल रिलेटिड ने, कोई म्यूजिक है कोई डांस है विजुअल आर्ट्स है कोई इहदे विच मिट्टी के खिडौने वगैरह बनाने रिलेटिड है जां कोई स्टैचू वगैरह कोई थिएटर दी आइटम्स ने ते भावें साडे कल्चर दे नाल रिलेटिड क्राफ्ट वगैरह इहनां नूं जिहड़ी असैप्टेंस है मानता उह दित्ती जाणी चाहीदी है। फिर ये जिहड़े हुण असीं गल कीती है वी क्राफ्ट वगैरह नाल रिलेटिड जां होर एक्टिविटीज़ ने जिहड़े कि साडी कला दे नाल रिलेटिड ने यह इंडिविजुअली सोशली इकनोमिक ते अस्थैटिक लोड़ां नूं पूरियां करन वाली होनी चाहीदी है ते इहदे प्रति असीं अवेयरनैस पैदा करनी है बच्चों के माता पिता के जिहड़े स्कूल अधिकारी ने उहनां दे विच। नैक्सट है जिहड़ी स्कूल की एजुकेशन है वो हरेक स्टैप ते आर्ट नूं एक जिहड़ी विशेष तौर पर असैप्टेंस वो मिलनी जरूरी है, मीनज आर्ट्स की है किसी भी तरह जिहड़ी कलावां ने वो इंपोर्टेंट ने। नैक्सट है हैल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हुण हैल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सेहत ते शरीरक सिक्ख्या, पहली गल देखो साडे लिए बहुत ही जरूरी है, मीनज कि सानू साडी हैल्थ ते जिहड़ी साडी शरीरक सिक्ख्या उहदे बारे जानकारी पता होनी चाहीदी है, क्योंकि इहदे नाल ही साडी जिहड़ी ऑलराउंड डिवेलपमेंट है वो हुंदी है। हुण हैल्थ ते फिजिकल एजुकेशन जिहड़े प्रोग्राम ने जिवें कि इहदे विच योगा वगैरह रिटेंशन
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਨਸੈਪਟ, ਟੋਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੀਨਸ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਸਕਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਵਰਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਮੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਈਵੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੁਮੈਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਬੀਟੇਟ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੈਬੀਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਹੈਬੀਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ।